वेब सीरीज रत यक द गेम ऑफ ब्लड का पोस्टर फरीदाबाद के होटल सेंट्रल व्यू में 14 अप्रैल 2024 को ज्ञानचंद बढ़ाना, रघुवीर सिंह, डॉक्टर एमएस वशिष्ठ, देवी राम, मुख्य प्रबंधक रविंद्र कुमार, ओम प्रकाश बैंसला, पूर्व बार प्रधान एडवोकेट संजीव चौधरी, बार प्रधान एडवोकेट जोगिंदर नरवत, सत्य महाशय व पार्षद जितेंद्र बढ़ाना द्वारा लॉन्च किया गया, जिसमें फरीदाबाद शहर के प्रतिष्ठित लोग और पत्रकार गण शामिल हुए। बता दें, रत यज्ञ द गेम ऑफ ब्लड फिल्म का अपराध पर आधारित एक ऐसी कहानी है जिसमें एक्शन, ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिल और कॉमेडी के साथ साथ भावनात्मक चीजें भी जुड़ी हैं। साथ ही यह परिस्थितियों से उत्पन्न हुए परिवर्तन पर एक वेब सीरीज है जो आपको मनोरंजन के साथ साथ एक अच्छा संदेश भी देगी। इस वेब सीरीज का निर्देशन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर फिल्म डायरेक्टर एडवोकेट हरीश बढ़ाना कर रहे हैं। साथ ही इस वेब सीरीज की शूटिंग बहुत जल्द ही शुरू की जाएगी और लगभग अगस्त महीने तक एक अच्छे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित भी की जाएगी। यह वेब सीरीज बिग टर्टल एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाई जा रही है, जिसकी टीम और कास्ट इस प्रकार है। निर्देशक हरीश बढ़ाना, निर्माता लक्ष्मी व चौधरी, पवन कुमार शयोरान, कैमरामैन सलीम, संगीत शंकर डे, लेखक पवन कुमार है। अभिनय करने वाले कलाकारों में चौधरी पवन कुमार शयोरान, बॉलीवुड कलाकार शिवा कुमार, चौधरी सतवीर सिंह बढ़ाना, बॉलीवुड कलाकार वसंत कुमार, बॉलीवुड कलाकार मनोज बख्शी, यश उमेश, बॉलीवुड कलाकार राजेश दुआ, बॉलीवुड कलाकार वीर गुज्जर, टिंकू भारद्वाज, रमेश श्रीवास्तव, दीपाली अरोड़ा व अन्य लोग शामिल हैं। बिग टर्टल एंटरटेनमेंट का उद्देश्य है कि जो भी व्यक्ति अभिनय करते हैं और अच्छे कलाकार हैं, उनको मौका दिया जाए जिससे वो अपने अंदर के छुपे कलाकार को दिखा सके। रत यज्ञ द गेम ऑफ ब्लड एक गैंगस्टर आधारित कहानी, जिसमें एक व्यक्ति किस प्रकार से उसका जीवन जो है परिस्थितियों से उत्पन्न परिवर्तन, उसके जीवन के किस प्रकार से हालात बदलते हैं, उस पर आधारित पूरी ये कहानी है। और मेरे साथ इस वक्त मेरी पूरी टीम बैठी है, जिसमें हमारे डायरेक्टर है हरीश बढ़ाना जी, हमारे कैमरामैन सलीम, और हमारी सीरीज में जो के आपका मेन विलेन का जो किरदार निभा रहे हैं बसंत कुमार जी, और राजेश दुआ जी हमारे साथ उपस्थित हैं, और वीर भैया और चौधरी सतवीर सिंह बढ़ाना जी जो लीड कैरेक्टर के पिता का किरदार इस सीरीज में निभा रहे हैं। मैंने इससे पहले तमिल फिल्म बनाई, कन्नड़ बनाई, हिंदी भी बनाई। पवन मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, छोटे भाई की तरह है, तो ऐसी बात हो गई साल भर पहले कि चलो वेब सीरीज बनाते हैं। स्टोरी पवन जी ने लिखी, बड़ी अच्छी स्टोरी है, देख के मैंने मन किया चलो बना लेते हैं, इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। ये गैंगस्टर पे स्टोरी है, ये दिखाती है समाज में कैसे आदमी गैंगस्टर बन जाता है और बुराई का अंत क्या होता है। फरीदाबाद और दिल्ली NCR से। मुंबई से है हमारे, मुंबई से भी। मैं 2006-07 में मैं इस लाइन में आया था। मैंने पहली अपनी खतरनाक जो फिल्म बनाई थी, उसके बाद मैंने कन्नड़ गया। मैं कन्नड़ में होम स्टे टाइटल मेरी फिल्म का था, उसमें मैं चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर था। एक दिगिल थी तमिल में, हिंदी में होम स्टे थी। हमने वो एक फिल्म 3 लैंग्वेजों में शूट करी थी, आर्टिस्ट डिफरेंट थे, कन्नड़ के, हिंदी के और तमिल के सेपरेट, कोई डब फिल्म नहीं थी, अलग अलग टाइम पे हमने शूट करी। कल्चर चल बैठा है कि कुछ तो गैंगस्टर वाला, जैसे
से गैंगस्टर से रिलेटेड आजकल काफी आजकल पता नहीं वायलेंस ज्यादा पसंद कर रही है पब्लिक। आपने एनिमल एनिमल्स देखी है, एनिमल फिल्म कितना वायलेंस दिखाया है, तभी हिट हुई है। तो आपने इसी पर्पस को सोचते हुए नहीं नहीं स्टोरी काफी अच्छी लगी, ऐसा नहीं है कि दर्शकों को पसंद आ रही है, दर्शकों की डिमांड है तो इसी खाली वायलेंस तो होगा, इसमें इमोशन भी है, आपको एक अच्छा मैसेज भी देखने को मिलेगा, मैसेज बहुत अच्छा है जी। मेरा क्वेश्चन पवन सर से है। सर इस मूवी में आप गैंगस्टर मूवी आधारित है, ठीक है, तो इसमें आप हीरो का रोल कर रहे हैं, तो आपको इस रोल में क्या क्या आपके जो मुद्दे थे वो आपको देखने को मिले, मतलब तो क्या क्या आपको इसमें देख मौका मिला रोल करने का, आपके जो रोल है वो क्या इम्पैक्ट देगा सोसाइटी पे? मैम देखिए जिस तरीके से मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये कहानी परिस्थितियों से उत्पन्न परिवर्तन की कहानी है, कि एक साफ छवि का व्यक्ति, एक पुलिस कर्मचारी, उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है कि उसे अपराध का रास्ता चुनना पड़ता है, उसका कोई भी सहयोग नहीं करता, उसके विरुद्ध ही शासन प्रशासन खड़ा होता है और फिर वो गलत रास्तों पे निकल पड़ता है। इस प्रकार से हमारी कहानी जिन्होंने नेगेटिव जिन्होंने ये नेगेटिव बसंत जी बसंत जी जी मैं बोलो हमेशा लोग विलन को एक विलन के रूप में देखते हैं, मतलब वो उनको ये लगता है, जैसे मैं भी कोई मूवी देखती हूं तो मुझे लगता है कि ये विलन है, इसने बहुत गंदा वो किया, तो आपका जो रोल है इस मूवी में वो गैंगस्टर को कैसे आधारित करता है? गैंगस्टर को कैसे आधारित, बिगाड़ने वाला मैं ही हूं क्योंकि वो मेरे अंदर ही काम करता है, ठीक है, और उसको गैंगस्टर ही मैं बनाता हूं, उसको इतना तंग कर देता हूं वो मजबूरन गैंगस्टर बन जाता है, उसके बाद फिर हम लोगों की टॉकिंग है। सर जैसे एनिमल का सर ने जिक्र किया, एनिमल में बॉबी देओल की लोकप्रियता काफी हाइट तक पहुंच गई है, आप भी अपने आप को क्या उसी तरफ बढ़ते हुए देखना चाहते हैं कि जो जितने भी रोल आएंगे सब नेगेटिव वे में ही लूंगा या पॉजिटिव वे में भी? नहीं नहीं सर, मेरे पॉजिटिव ना मेरी आंखों में नहीं आता, मैं शुरू से आप भी देख रहे होंगे मेरी आंखों में वो प्यार आई नहीं, मैंने लाइफ में अभी तक नेगेटिव करेक्टर ही किया है, क्योंकि मेरे को पॉजिटिव मिला था लेकिन मेरी आंखें कुछ बोल रही है और मैं कुछ बोल रहा हूं तो मजा नहीं आ रहा, उसके बाद इमीडिएटली उन्होंने चेंज किया और नेगेटिव में कन्वर्ट। मेरा आपसे एक पर्सनली क्वेश्चन है, क्या आपके घर के लोग आपको इस नेगेटिव रोल में पसंद करते हैं? मेरी वाइफ बड़ी खुश है जी वो हैप्पी है, उसको बहुत पसंद है। और भैया आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे हम सभी जानते हैं मुझे जो है आपका भी क्षेत्र कहीं ना कहीं पास में पटकायता रहा है, कैसे इतनी जल्दी मूव ऑन और आप एक्टर की भूमिका में? देखिए पत्रकारिता मेरे खून में है और पत्रकारिता में आज भी कर रहा हूँ, लेकिन ये जो अभिनय करने की इच्छा थी ये आज से 20 वर्ष पुरानी थी। मैं आपको बताऊं कि आज से 20 वर्ष पूर्व जब मैं मॉडलिंग इंडस्ट्री में उतरा था तो मैंने अलीगढ़ से शुरुआत करी थी, तो कुछ कारण ऐसे रहे कि मैं वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे परिवार की माली हालत ऐसी नहीं थी कि वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान, वहाँ का खर्चा मैं बयान कर सकूँ, तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं अपने शायद घर वालों के ऊपर किसी प्रकार से बोझ बन रहा हूँ, तो मैं वहाँ से वो सब चीज़ छोड़ के आके अपना नौकरी शुरू कर दी इस फरीदाबाद में, और धीरे धीरे समय जैसे जैसे बीतता गया चीज़ें आगे बढ़ती गईं,